हमें दोनों करना है यार, कॉन्सेप्ट भी समझना है, फार्मूले भी रट जाने हैं, ठीक है, मेडिकल के लिए स्पेशली। तो इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो 2019 में आया, इसी के जैसे 2020 में भी आया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं प्लस माइनस, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर एक्सलेट होगा, उस पर फोर्स इधर लगेगा, और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो मैं वी ले लेता हूँ, वी वन माइनस वी टू। ये तो कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ नियर बाई, मतलब हम सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ डायरेक्ट हमको याद है 12.27 इंटू एंगस्ट्रॉन में आता है अंडर रूट भी। तो अगर इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सलरेट हो रहा है, तो उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी एसोसिएट होती है मैटर में। चलो तो ये अब इस वाले डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू डाल दूँ, तो 12.27 इंटू 10^-10 एंगस्ट्रॉन है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, और 4 टाइम्स 0 अंडर रूट भी। तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, तो 12.27 इंटू 10^-10 और ये 10^2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.27 इंटू 10^-12 मीटर में आएगा। तो ये 12 मतलब बी ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। तो 2019 में आया था, सिमिलर क्वेश्चन 2020 में भी आया था।